हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ स्कैरी टीचर। तो इसमें जो है मैं इसमें बैड रोमांस खेलूंगा। तो इसमें चलो शुरू करते हैं। और ये जो है हेलोवीन वाला है और मैं जो है इसमें पास्ट में जाने वाला हूँ, शायद 2 साल होंगे वो, क्योंकि 2021 का है ये। तो इसमें शुरू करते हैं। और इधर पर जो है ये यहाँ पे उठ चुकी है मिसेस टी, सीधा उसमें पम्पकिन मुँह पे लग गया। और इधर पे कुछ ये इवल टाइप की बनी है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और ये पता नहीं कौन है इसका दोस्त हो गई, गार्लिक खा रहा है कुछ, क्या पता हमें इसमें गार्लिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इसमें। और ये जो है गार्लिक से डरती है। डरती क्या है, मतलब अच्छा नहीं लगता होगा वैम्पायर लोगों को। तो चलो हम जो है आ चुके हैं इसके हवेली पे। तो इधर पे आप लोगों को ये 2 कद्दू दिख रहे होंगे, कद्दू ही बोल देंगे वैसे तो इन्हें, क्योंकि हेलोवीन है, हेलोवीन में हमेशा कद्दू ही दिखते हैं। और ये रहा इसका घर, घर तो एकदम इसमें तगड़ा सा लग रहा है, क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो में देखा ही होगा कितना सिंपल और नॉर्मल सा था। और इसमें हम चढ़ सकते हैं, शायद चढ़ सकते हैं इसमें, हाँ हम जो है इसमें चढ़ सकते हैं, पता नहीं मेरे को कहाँ से ये सूझा, मगर इसमें चढ़ सकते हैं। और इधर पे से ही ये खोलते हैं। और इधर पे ही देखो भूत नाच रहे हैं, अबे भूत नाच रहे हैं। और इनको मैं मार नहीं सकता हूँ, अगर ये भी मेरे को नहीं मार सकते, इसका मतलब ये ऐसी है खाली डिजाइनिंग करने के लिए। और इधर अभी क्या है, ये अभी क्या है, तो इधर पे भी ये पता नहीं क्या ही होगा। और इधर पे मीट मूट खाने का पता नहीं, ये मिसेस टी जो है इसमें खाती होगी क्या नहीं खाती होगी। और इधर पे ये लैंप है, सबसे पहले तो ये लैंप भी उठा ही लेते हैं, क्या पता कुछ काम हो इसका, नहीं तो फिर ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। पहले से यहीं पे ड्रॉप ही कर देते हैं, वैसे भी कुछ काम नहीं हो, काम होगा तो यहीं से ले लूँगा। और मेरे को याद है कि इधर पे इस कमरे के इधर पे ही है, मतलब सीढ़ियों से सीधा ऊपर आते समय। और इधर हम पता नहीं अभी क्या ग्लिच था पता नहीं। और ये फिर से सीजर का है तो एक है ही है, ब्लब मिला है इसमें, ब्लब भी रखते ही हैं, ब्लब को भी। और ये जितने भी चीज़ें मेरे को मिली आएंगी उधर ही रख के आते हैं। किचन में चलते हैं, क्योंकि इस किचन में क्या पता कुछ खाने के लिए पीने के लिए रखा हो। और मेरे को इतना तो पता है यहाँ पे कुछ मेरे को गार्लिक टाइप का ढूंढना था, क्योंकि उसमें जो है अंकल के हाथ में कुछ गार्लिक टाइप का था, क्या पता हमें इसे उगाना होगा। और उगाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर चलते हैं इधर से, क्योंकि इधर से इसकी बैक साइड है। अब यहीं से कूद जाते हैं सीधा, कूद ही नहीं रहा ये, उतरना ही पड़े। अभी ये क्या हो गया, उधर आगे पे तो कुछ हुआ है, तो उधर पे ही चलते हैं। उगाने के बाद क्या पता इस पर डराना पड़ेगा। और इधर पे सीड है, ये पता नहीं क्या है, सीड भी इतने ज़्यादा थे इसके अंदर। और जो मेरे को लैंप मिला था, और हमें जो है इसमें लैंप लगाना पड़ेगा उधर पे, और लैंप वो ख़राब सा था, तो इसमें जो है मेरे को एक ब्लब भी मिला था, ब्लब बोलते हैं, तो उसको जो है मैं लेके आता हूँ और वो लगाना पड़ेगा। चलो तो ये इधर पे जो है मैं पहुँच चुका हूँ। उधर पे ये स्विमिंग पूल जिसमें पानी नहीं रहता, बताओ जरा आप ही लोग, इसे कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ यहाँ भी लगाई, क्या पता इधर पे लगाना पड़ेगा। और ये जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इधर पे जो है मैंने एक मतलब मस्त सा ब्लब भी लगा दिया है, इन्हें मैंने जो है कलेक्ट कर लिया है। और ये जो है गार्लिक है, मेरे को तो लहसुन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अगर खाने में भी आता है ना मैं सीधा बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि लहसुन एकदम बेकार लगता है। चलो वो अच्छा, वो जो है बाहर पे है और हमें जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा ये। और ये मैंने खोल खोल के यहाँ पे डाल दिया है। और अब जो है हमें भागना पड़ेगा वैम्पायर टी से, चलो भागते हैं अब इधर से। तो ये देखो गाइस, अब जो है इस पे बहुत तगड़ा वाला प्रैंक होने वाला है, क्योंकि जो है ये गार्लिक से डरती है। और ये इधर पे पता नहीं क्यों लेटने गई है। और अब आई नहीं से बदबू, अब ये फिर से डरने लग गई। वैसे भी गार्लिक किसी को पसंद ही नहीं होता। तो ये जो है अपना नया वो राउंड लग चुका है। और इधर पे पता नहीं ये क्या, अच्छा ये गोस्ट बन गई इस बार, क्या पता ये गोस्ट ही बनी रहा है इसमें। और इसमें जो है एक आपने बात नोटिस की होगी, इसमें जो है इसकी बुक नीचे गिर गई। अच्छा तो हमें इसे कैच करना पड़ेगा इस बुक को देख के, तो चलो ठीक है। और इधर पे ये तानी आ गई, और ये पता नहीं इधर पे क्या, अभी ये हेलोवीन का गिफ्ट क्यों रखने आ रही है। और डरा दिया इस गोस्ट ने, तो उस गोस्ट ने जो है इसको डरा दिया भाई अलग ही है। और अब जो है इसका बदला निकलेगा। तो चलो गाइस, अब जो है हम फेल होने के बाद एक और बार ट्राई करते हैं इसे। तो अब पहले जो है मैं बुक ही देख लेता हूँ अच्छे से, मेरे को पता ही नहीं चला उसे पता नहीं कैसे कैच करना होगा, या तो फिर उसका वेट करना पड़ेगा कहीं छुप के। मगर यहाँ पे देखते हैं ये बुक खुल चुकी है। और इधर पे मेरे को पहले ये हीरा लेना है उधर पे से जाके, इतना मेरे को याद है ये। और फिर इधर पे ये मिसेस टी बैठ जाएगी, फिर इसको इस वैक्यूम क्लीनर से ऐसे कुछ कैच कर लेना है। वैक्यूम क्लीनर तो मेरे को पता है कहाँ पे होगा,
तो चलो अब जो है मैंने यहाँ पे एक कटर उठा लिया है, क्योंकि इससे जो है मैं जेम्स निकाल लूँगा। जो जेम्स रहता है पता नहीं क्या हीरा टाइप का रहता है, वो निकालने के बाद ये जो है मिसेस स्टीव से अट्रैक्ट हो जाएगी। मगर पहले वो जो है मैं जेम्स निकाल लेता हूँ, क्या पता ये तब तक आ ना जाए। तो चलो ये जो है मैंने इधर पे से ये जेम्स निकाल लिया है, और इधर पे से भागते हैं फटेक से, क्योंकि वो जो है मेरे पीछे फिर से पड़ गई। और अब जो है मेरे को हाँ पोशन ढूंढना है, वो जो है बेसमेंट में मिल जाएगा। अभी ये रही वो, चलो मेरे को जो है यहाँ पे मशीन मिल चुकी है, पहले इसकी पावर यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं और इसे पहन लेते हैं। और अभी देखना इसका स्वैग कितना तगड़ा होगा, क्योंकि निक का स्वैग तो एकदम तगड़ा रहता है। ये देखो भाई, मगर ये पीछे पे अगर ऐसे आगे पे होता तो और ही तगड़ा लगता, मगर कोई बात नहीं, मेरे को वहाँ पे जाके पोशन गिराना पड़ेगा। चलो अब जो है मैंने यहाँ पे पोशन गिरा दिया है, और इधर पे जेम्स भी रख देता हूँ। तो इधर पे जो है मैंने जेम्स भी रख दिया है, और अब मेरे को यहाँ पे से भागना पड़ेगा और उसका वेट करना पड़ेगा। और इधर छुपके उसका वेट करते हैं जब तक मिसेस टी इधर पे आती है। और ये यहाँ पे आई जेम्स उठाने के लिए। अरे वाह, और उधर पे से आ गया मैं जो है निक, और इसने तानी को भी परेशान किया था। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। जो इसके दो लास्ट के मिशन है वो जो है मैं बाद में करूँगा, किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतनी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।